हेलो एवरीवन, आज हम सबका पसंदीदा चटपटा दाल वड़ा बनाएंगे जो कि बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है और इसे बनाना भी एकदम आसान होता है। आज हम इसे वो साउथ में मिलता है ना एकदम क्रिस्पी और चटपटा दाल वड़ा, इसको उसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल वड़ा बनाने के लिए मैंने एक कप चने की दाल ली है। इसे ना अच्छे से 3-4 बार पानी में धोना है और फिर इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो देना है। मैंने दाल को पहले से ही ना 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। देखिए ये अच्छे से भीग गई है और एकदम फूल गई है, फूल के डबल हो गई है। और जब हम इसको इस तरह से देखें ऐसे तोड़ेंगे थोड़ा सा ही लगा के तो एकदम से टूट जाएगी, मतलब एकदम सॉफ्ट भी हो गई है। अभी हमें ये जो इसको पानी है ना ये सारा निकाल देना है। इसको हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। दाल का सारा पानी निकाल दिया है और ये जो पानी बचा है ना इसे हमें फेंकना नहीं, इसे पेड़ों वगैरह में डाल देंगे, पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस दाल को ना हमें इस तरह से ऐसे रख देना है जिससे ना इसका सारा पानी निकल जाए, मतलब दाल में ना पानी नहीं होना चाहिए। इसे थोड़ा सा इस तरह से सुखाना है हमें, इसमें कोशिश करें कि कम से कम पानी हो, सारा पानी निकल जाए और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। इसलिए इसको 15-20 मिनट के लिए ना ऐसे इसी तरह से छलने में रख देंगे। इसको रखे हुए काफ़ी देर हो गई है और ये देखिए अच्छे से सूख गई है, एकदम ड्राई हो गई है, इसका सारा पानी ना निकल गया है। और जब ऐसे नीचे देखेंगे तो नीचे भी देखो इसमें पानी आ गया है। अगर आप जल्दी में और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस दाल को ना किसी किचन टॉवल पे सुखा दीजिए, उससे ये जल्दी पानी निकल जाएगा। अभी क्या करेंगे, इसमें से ना 2-3 चम्मच हम दाल एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें 2 हरी मिर्च जिसे इस तरह से बड़ा बड़ा कट करके रखा है, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी देखो इस तरह से रफली कट किया हुआ है, और 1/4 टीस्पून जीरा डालकर पहले ना इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से पिस गया है, एकदम बारीक हो गया है। अभी इसमें जो हमने दाल भिगो के रखी थी ना वो डाल देंगे। एक बार में ही ना सारी दाल मत डाल देना, थोड़ी थोड़ी करके दाल डालना। और इसे हमें ना फाइन नहीं करना है, इसे दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए ये ऐसे ही चाहिए हमें, ये एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है हमें, ऐसा ही चाहिए। बीच बीच में थोड़े बड़े दाने हो और थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। इसको पीसते समय ना हमें एक तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और मिक्सी को ना रोक रोक कर और फिर पीसना है। इसको हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे और जो बची हुई हमारी दाल है उसको भी डाल के इसी तरह से हमें ना दरदरा ही पीसना है। उसे भी ऐसा ही बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है, और उसको भी इसी में ही हम मिक्स कर देंगे। इसमें ये जो भीगी हुई हमने दाल रखी थी ना सबसे पहले ये डाल देंगे। ये साबुत दाल का ना इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक मीडियम प्याज को ना बारीक बारीक कट करके लिया है, 10-15 करी लीव्स है इनको भी रफली कट कर लिया है, स्वादानुसार नमक, 1 पिंच हींग, और ये सुआ भाजी है, इसे ना दिल लीव्स भी कहते हैं। ये ना देखिए इस तरह की आती है, ऐसी आती है ये। इसे ना मैंने पहले से ही धो के ले लिया है और ये जो साउथ में रोड साइड भजिया मिलती है ना उसमें ये ज़रूर डालते हैं वो लोग, इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मैंने इसको बारीक बारीक कट कर लिया है ना, इसमें अभी ये डाल देंगे। इसमें ना अभी हरा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है और एक डिफरेंट सा फ्लेवर आता है इसका। और इन सब चीज़ों को अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको ये सुआ भाजी मतलब दिल लीव्स ना मिले तो आप इसकी जगह ना हरे धनिया को भी कट करके बारीक बारीक वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। हाथ पर ना इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और दोनों हाथों में ना ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हाथ में ना थोड़ा सा डो लेकर इस तरह से देखिए इस तरह से उसको थोड़े से ना पहले तो लड्डू जैसे बता थोड़ा उसको टाइट से शेप देंगे और फिर उसको इस तरह से दोनों हाथों में ना करके ऐसे उसको टाइट बना के और फिर घुमा के दोनों हाथों के बीच में प्रेस कर देंगे। इसकी शेप ना ऐसी आनी चाहिए तो ये अच्छे बनते हैं। इसके किनारे थोड़े पतले होते हैं और बीच में से मोटा होता है, इसी शेप के ना वड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसे हम प्लेट में रख देंगे। देखिए ऐसा ही बनाना है हमें, इसी तरह से ना हम और वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। वड़े हम अपने पसंद से थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े साइज़ के बना सकते हैं, पर ये ध्यान रहे उसके किनारे थोड़े पतले होने चाहिए और बीच में से थोड़ा मोटा होना चाहिए। देखिए इतना हमने वड़े बना लिए हैं, एक बैच रेडी हो गया है। पहले हम ये वाला फ्राई कर लेते हैं, बाद में ये भी बना लेंगे। दूसरी तरफ हमने ना कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और तेल भी गर्म हो गया है। चेक करने के लिए ना हम थोड़ा सा डो बॉल डाल के इसमें देखेंगे। देखिए ये ऊपर आ गया है और ऑयल है ना हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी जो हमने वड़े बना कर रखे हैं ना वो एक एक करके इसमें धीरे धीरे डाल देंगे और इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से ध्यान से डालना है।
और बड़ों को डालते ही ना इन्हें नहीं हिलाना है। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा ये शेप पकड़ ले उसके बाद इस तरह से देखिए चम्मच से धीरे धीरे से चम्मच से इसे हिलाना है, वरना क्या होगा अगर आप डालते ही इसको हिला देंगे तो ये बड़े का ना फटने के चांसेस रहते हैं। इन्हें हमें ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसे इस तरह से ऐसे घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे जिससे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। और जब एक साइड से फ्राई हो जाएं तो इनको धीरे धीरे से चम्मच से ही हम पलट देंगे। इन्हें हमें इनका एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना तब तक फ्राई करना है, और इन्हें इसी तरह से ना अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। और फ्लेम का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर फ्लेम हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया तो क्या होगा कि बाहर से वो एकदम ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखो दोनों तरफ से कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और इनका कलर भी कितना बढ़िया आया है। इन्हें अब है ना एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने जो दूसरा बैच बना के रखा है ना बड़ों का वो भी डाल देंगे और उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हमें हल्के हाथों से ही डालना है और जब तक इनका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए तब तक दोनों साइड से उलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। और गैस की फ्लेम का हमें बहुत ध्यान रखना है, इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम प्लेट में ही निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारे एकदम टेस्टी सबके पसंदीदा चटपटे दाल वड़े सर्व करने के लिए रेडी हैं। लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी और क्रिस्पी, और देखिए जब हम इनको इस तरह से तोड़ के देखेंगे तो अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बाहर से इसकी जो स्किन है वो बहुत ही क्रिस्पी एकदम करारी है। इसे आप कभी भी या तो घर पर मेहमान आए या फिर बारिश के मौसम में आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तब फटाफट बना के खा सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें जिससे फ्यूचर में हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।